Hi everyone, welcome to my YouTube channel Comptures. I hope you all are learning well with Comptures. So this is tutorial number 12 of business studies for class 12, and in this tutorial we will continue 14 fundamental principles of management by Henry Floyd. ठीक है, हम तीन principles जो हैं वो already discuss कर चुके हैं, यानी कि division of work and authority and responsibility and discipline का principle हम discuss कर चुके हैं, and आज हम discuss करेंगे unity of command and unity of direction. Okay, तो चलिए start करते हैं हमारा आज का session. But before proceeding to this session, if you are a new visitor on my channel, then please do subscribe my channel, hit the like button, and please do share this tutorial and my channel with your friends and your classmates too. Okay, so let's start today's session. So fourth principle hai, principle of unity of command. तो सबसे पहले समझते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है. देखो, यूनिटी का मतलब क्या होता है, जब आप वर्ड सुनते हैं यूनिटी, तो यूनिटी से क्या मतलब होता है, एकता, यानी कि सिंगल, राइट. एंड कमांड का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है, यानी कि सिंगल ऑर्डर, ठीक है. और यही ये प्रिंसिपल कहते हैं. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, एंड वो सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो उन्हीं सुपीरियर को आंसर्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल से, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, देयर शुड बी वन एंड ओनली बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस या मैनेजर या सुपीरियर फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से या एक ही मैनेजर से जो है वो ऑर्डर्स मिलने चाहिए, एंड ये जो सबॉर्डिनेट्स हैं ये इन्हीं सुपीरियर को आंसर्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है. हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूअल सबॉर्डिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि अगर एक सबॉर्डिनेट को दो या दो से ज़्यादा सुपीरियर ऑर्डर देना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, उनको समझ नहीं आएगी कि वो पहले किसके काम को प्रायोरिटी दें, ठीक है. तो जैसे आप सुनते हैं ना कि दो नावों में जो इंसान पैर रखता है वो डूबता ही है, तो यहाँ पर वही सिचुएशन हो जाती है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ड्यूअल सबॉर्डिनेशन को फॉलो करती है, ठीक है. तो हेनरी फ्योल ये बोलते हैं दैट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन मैनेजर या सुपीरियर फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, दिस इज द राइट अप्रोच जो हर ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करनी चाहिए, यानी कि ये जो सुपीरियर है या ये जो मैनेजर है, ये इनको अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है. अब ये जो सबॉर्डिनेट है ये आगे किसको आंसर्स देंगे, इसी वाले सुपीरियर को जिसने इनको ऑर्डर दिए. तो यानी कि यहाँ पर एक क्लैरिटी है कि सुपीरियर ने इनसे बात करना है और इन सबॉर्डिनेट्स ने इस सुपीरियर से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है. वहीं अगर इन एम्प्लॉयज को दो लोगों से यानी दो मैनेजर से ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अब ये जो मैनेजर ए है ये इनको भी दे रहा है ऑर्डर एंड इस वाले एम्प्लॉय को भी ऑर्डर दे रहा है, ठीक है. अब मैनेजर बी भी आ जाता है, अब इसने भी इनको ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, अब और इसको भी ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, तो अभी सिचुएशन में क्या होगा, कन्फ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी किसके काम को पहले प्रायोरिटी दें. अब किसी को मना तो कर नहीं सकते क्योंकि नौकरी का सवाल है ना, वो भी तो ज़रूरी है. तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो डिक्रीज़ होता है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है, वो एक कन्फ्यूजन में एक असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसका काम करें कैसे करें, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल दिस इज़ द राइट अप्रोच एंड दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, ठीक है. सो अब इस प्रिंसिपल को रीड कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम, यानी एक एम्प्लॉय को किससे ऑर्डर रिसीव करना है, एक ही सुपीरियर से, एंड दैट एम्प्लॉय एंड वो वाला जो एम्प्लॉय है दैट शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर, क्लियर. नाउ अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं. सबसे पहला, नो कन्फ्यूज सिचुएशंस फॉर द सबॉर्डिनेट्स, ठीक है. नंबर सेकेंड, जो सबॉर्डिनेट्स हैं
या जो सुपीरियर्स उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है. एंड इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो व्हेन वी फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल. एंड इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है, क्लियर. अब अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाता, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता, तो इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, डाउट्स क्रिएट होंगे, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. डिले इन वर्क होगा और सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स की जो एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस होगी, क्लियर. तो ये है आपका फोर्थ प्रिंसिपल जो कि है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब समझते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. जो ये वाला प्रिंसिपल है ये यूनिटी ऑफ कमांड की एक्सटेंशन है, ठीक है. एक्सटेंशन का मतलब क्या कि जो हमने यूनिटी ऑफ कमांड में पढ़ा कि डुअल सबॉर्डिनेशन को अवॉइड करना, डुअल सबॉर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये चीज़ जो है वो इस वाले प्रिंसिपल में भी एप्लीकेबल है, ठीक है. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक और चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल ये कहता है दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान, ठीक है. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ग्रुप एक ही प्लान पर काम करे जिसका एक ही हेड होना चाहिए, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है कि जो भी सारी एक्टिविटीज जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स की हैं वो एक ही सुपरविजन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे आपके स्कूल में जब आप प्लस वन में आए या प्लस टू में हैं तो आप देखते हैं कि प्लस वन प्लस टू में आके क्या होती है, कैटेगरीज बन जाती हैं कि आधे बच्चे जो है वो कॉमर्स में जाते हैं, कुछ नॉन मेडिकल में एंड कुछ मेडिकल में, ठीक है. इसी तरह से होता है, यानी कि डिविजन्स बन जाती हैं, ठीक है. अब जो कॉमर्स है ये एक अलग ग्रुप है, ठीक है, अलग स्ट्रीम है, तो इनकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो इनकी इंचार्ज है वो अलग होती हैं. आप लोग अपने स्कूल में भी देखते हैं, इसलिए मैं आपके स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है. नॉन मेडिकल की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो नॉन मेडिकल की इंचार्ज है वो अलग होती है. सिमिलरली जो मेडिकल की जो इंचार्ज होती हैं वो अलग होती हैं. तो यही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल बोलता है कि वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो एक्टिविटीज जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑब्जेक्टिव है, जिनका सेम गोल है, उनका एक अपना अलग डिवीजन होना चाहिए, उनका अपना वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो दो अलग अलग डिवीजन्स में डील कर रही है, वन कार एंड नंबर सेकेंड है मोटरसाइकिल्स में, ठीक है. अब ये जो दोनों है कार एंड मोटरसाइकिल्स में, दोनों अलग अलग डिवीजन्स हैं, ठीक है. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है कि कार का जो डिवीजन है, कार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग होने चाहिए, एंड जो मोटरसाइकिल के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मोटरसाइकिल के डिवीजन्स हैं वो अलग होने चाहिए. क्यों? अगर अगर इनको अलग अलग नहीं करेंगे, इकट्ठा ही कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होगी, रिसोर्सेज की जो है वो वेस्टेज होगी, टाइम एफर्ट्स की भी वेस्टेज होगी, ठीक है. इसलिए प्रिंसिपल ये बोलता है कि वन हेड एंड वन प्लान, यानी कि जो भी सारी एक्टिविटी सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स की हैं वो एक ही सुपरविजन के अंदर जो है वो आनी चाहिए, ठीक है. सो अब जैसे कार का है, कार का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, यानी कार का एक अलग डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि कार की मार्केट अलग है. अब कार का अपना परचेज डिपार्टमेंट होगा, कार की अपने फिनांस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स डिपार्टमेंट होंगे. सिमिलरली मोटरसाइकिल के अपनी अलग डिवीजन्स होंगे, इसके अपने अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अपना अलग परचेज, फिनांस, सेल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है. तो यही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल जो है वो कहता है, क्लियर. एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ यहाँ पर. जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे स्कूल की भी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है. जैसे एक स्कूल में से जूनियर विंग है, एक सीनियर विंग है, तो आप लोग देखते हैं कि जो जूनियर विंग के जो प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो अलग होता है. जो सीनियर विंग है उनकी प्रिंसिपल, उनकी वाइस प्रिंसिपल, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो वो अलग होता है. ऐसा ही होता है ना, ये आप सब देखते हैं. तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि वन हैंड
वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स. वो एक्टिविटीज जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है उनके लिए वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए, ताकि एक्टिविटीज की ओवरलैपिंग ना हो, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, टाइम की वेस्टेज ना हो, और ना ही एफर्ट्स की वेस्टेज हो, और स्पेशलाइजेशन जो वो भी अचीव हो. क्लियर? तब इस प्रिंसिपल को रीड कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव. क्लियर? आपको अगर एग्जाम में आता है तो जो आपके बुक में लिखे हुए हैं हेनरी फ्यूल की जो लाइंस लिखी हुई हैं प्रिंसिपल वाली, वही आपने एक्सप्लेन कर आनी है. ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? अदरवाइज आपको प्रिंसिपल से जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं, रादर आपको रीजनिंग बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपको इनको एग्जाम्पल दे दे के समझा रही हूँ, ठीक है? अब अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? अभी बताया कि स्पेशलाइजेशन अचीव होती है, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव किया जा सकता है, ठीक है? एंड जो एफर्ट्स के डुप्लीकेशन है वो भी अवॉइड होते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है? वहीं अगर इस प्रिंसिपल को जो है वायलेट करते हैं तो उससे क्या होगा, टाइम की, रिसोर्सेज की, एफर्ट्स की वेस्टेज होगी एंड टारगेट्स भी इजीली अचीव नहीं होंगे एंड एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी. क्लियर? सो ये दो प्रिंसिपल्स थे, अब इनका डिफरेंस समझ लेते हैं. तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, ठीक है? अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा. एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान. क्लियर? नंबर सेकंड, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, ठीक है? एंड नंबर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इट प्रिवेंट्स overlapping of various activities. Number third, this principle is related to functioning of employees with clarity in mind. जब subordinate को पता है कि उसको superior से ही order मिलना है and इसी superior को उसने answers देना है, तो उसके mind में clarity होती है, कोई confusion नहीं होती, ठीक है? And unity of direction में third है, this principle is related to functioning of organization as a whole or as a one unit. Clear? Now it affects an individual employee and unity of direction, it affects the entire organization. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आई होप आज जितने टॉपिक्स हमने कवर करे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एंड स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, फाइन? एंड लास्ट में स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये ट्यूटोरियल्स आप सभी के लिए हेल्पफुल हैं सो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज योर फीडबैक मैटर्स अलॉट. एंड प्लीज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन. वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर किया करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं इस चैनल के साथ जुड़ें, ठीक है? सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड.